दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन सोशल साइंस का, तो मैं इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग टोटल सब्जेक्टिव वीडियो देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। दूसरा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। चौथा जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। और उसके बाद पूंजीवाद क्या है। इनमें से आपको सिर्फ तीन ही क्वेश्चन का आंसर करना है। अगला हम लोग भूगोल देखेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद बिहार के विभिन्न डाक चैनलों को संक्षेप में विवरण कीजिए। उसके बाद वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है, कारण बताइए। उसके अगला है व्यापारिक कृषि एवं निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करिए। उसके बाद राजनीति विज्ञान से अगर हम लोग देखें, तो भारतीय किसान यूनियन पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। उसके बाद है सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र से अगर यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर किस प्रकार पड़ा। सूक्ष्म वित्त योजना से आप क्या समझते हैं। उसी तरह से आपदा प्रबंधन से बात किया जाए, तो बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय आता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए, तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 से 200 शब्दों में दे। तो ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच में भिन्नता स्पष्ट करें। उसके बाद है औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। उसके बाद भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। उसके बाद भारत के मानचित्र पर पूर्वी तट पर स्थित तीन प्रमुख बंदरगाह को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंपर्क के महत्व की चर्चा करिए। उसके बाद राजनीतिक दल क्या है, यह लोकतंत्र का प्राण कहलाता है क्यों। उसके बाद व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करिए अथवा मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस सब क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं गांधी इरविन पैक्ट पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता 5 वर्ष 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया और द्वितीय गोल में सम्मेलन भाग लेने के लिए सहमत हुए, ठीक है। इस तरह से आप लोग का आंसर लिख लेना है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बिहार के चंपारण जिले में राजकुमार शुक्ल नामक किसान के बुलाने पर गांधी जी वहाँ पहुँचे और वहाँ तीनकठिया प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपने 20 कट्ठे ज़मीन में से सबसे उपजाऊ 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती वगैरह करनी पड़ती थी। इस तरह से इसका आंसर कर लेंगे। उसके बाद है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना क्यों हुई। तो जब रूस में साम्यवादी शासन आया, तब भारत में भी इसके लिए भावनाएं जगी चुकी। यहाँ पर भी मजदूरों का शोषण लगातार चलते आ रहा था और साथ ही साथ यहाँ कोई भी मजदूर संगठन कार्यरत नहीं था, जिस कारण यहाँ के बढ़ते रूसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना की, जिसे कांग्रेस का समर्थक कहते हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला है यहाँ जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो यहाँ पे जिनेवा समझौता 1924 ईस्वी में हिंजिन और फ्रांस के बीच हुआ था। समझौता होने के पश्चात वियतनाम के दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है भारत के विभिन्न डाक चैनलों का संक्षिप्त विवरण दे। वहाँ पे बिहार के विभिन्न डाक चैनल का विवरण था। तो बिहार में कोई डाक चैनल अगर देखा जाए, तो जो देश में है वही बिहार में भी है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग इसको देख करके आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है वैश्वीकरण क्या है, जब वैश्वीकरण हुआ तो इसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर देख करके लिख सकते हैं। सारा क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर है, मैं आगे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कर करके इसको लिख सकते हैं। और आप लोग से मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।